बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ लोगों को अनएजुकेटेड अनपढ़ कहा जाता है, लेकिन इसी बिहार में बहुत कुछ छिपा हुआ भी है। कुछ पहले की चीज़ें हैं और कुछ अभी के बहुत से ऐसे नए चीज़ें बन चुके हैं जिसके कारण लोग बिहार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्हीं में से आज मैं जा रहा हूँ एक मंदिर का आप सबको ब्लॉग दिखाने के लिए। मैंने सफ़र अपना शुरू किया था यहाँ पटना के दीघा से और हमें जाना था सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर, जो कि पटना से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और हम वहाँ पे पहुँचने के लिए आप देखें कि पहले दीघा गए और दीघा से आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ चंद रास्तों से गुजरते हुए हम निकल पड़े अपने रास्ते की ओर। और ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी ब्लॉगिंग करना कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं भी आप देख सकते हो कि अपने बाइक से नहीं, पर्सनल व्हीकल से नहीं गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया था। तो मैं भी चाहता था उस फील्ड को देखना थोड़ा। कहीं कहीं रास्ते में मुझे जाम भी मिला, बहुत देर मुझे वेट भी करना पड़ा और कुछ मुझे मंदिर भी दिखे। अब देख सकते कि ये जो इसमें से एक मंदिर था ये मुझे रास्ते पे मिला था और इसका काफ़ी अच्छा सीन था। देखने में भी मंदिर काफ़ी बड़ा लगा, आकर्षित कर रहा था अपनी ओर, लगा जैसे इसका भी एक ब्लॉग ले लें, लेकिन उतना वक्त नहीं था हमारे पास कि हम उसका भी ब्लॉग बनाएं। और रास्ते में इस मंदिर में मुझे एक चीज़ खराबी लगा कि रास्ते में मुझे यहाँ पे कुछ लोग रोके और गाड़ी को रोक कर वो लोग कुछ पैसे मांग रहे थे, हो सकता है इस मंदिर के लिए मांग रहे हो, लेकिन ऐसा लगा नहीं उनकी बातों से कि वो ये मंदिर के लिए पैसे मांग रहे हैं। मैंने सुना था कि सोनपुर में बहुत कुछ है, वहाँ पे बहुत कुछ का वीडियो हम बना सकते हैं। सोनपुर मेला जब लगता है तो वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम तो हम नहीं बना पाए वीडियो, लेकिन आगे से हम वीडियो बनाएंगे उसका तो कंफर्म है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेला लगेगा सोनपुर का उसका वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल तो हम जिस जगह पे जा रहे थे उसका वीडियो बनाएंगे और भी अगर मुझे पता चला कुछ तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। ऐसे तो इन सब ये सब सारा का सारा चीज़ आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा नया है और हो जाएगा आदत इसका भी धीरे धीरे। मुझे कुछ ऐसा टनल रास्ते में मिला जिसको मैंने शायद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और अभी तक इससे पहले मैं ऐसा कोई टनल नहीं देखा था। राजगीर में भी मैंने ऐसा एक टनल देखा था, लेकिन वो कुछ इतना लंबा नहीं था, बस जस्ट छोटा सा था, लेकिन ये टनल देख के काफ़ी अच्छा लगा कि सोनपुर में ऐसा स्ट्रक्चर और वो भी इतनी अंदर गांव में, काफ़ी बढ़िया था, ये नया था, देखने में भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ तो है इधर भी। इसको क्रॉस करने के बाद इसके थोड़ी सी दूरी पे हमें हाईवे रोड देखने को मिलता है और वो हाईवे रोड एक तरफ छपरा चला जाता है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे हाजीपुर चला जाता है। तो यही वो हाईवे रोड है, ये NH नहीं है, SH है और इसकी दोनों तरफ की आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एक पतले से रास्ते में अंदर आते हैं जो कि हमें अपने मंदिर की ओर लेके चलता है, और यही वो रास्ता है जो कि हमें अपने मंदिर की ओर लेके जाता है। और हम हाईवे रोड पे चढ़ने के बाद बस कुछ दूरी पे ही उतर जाते हैं हाईवे रोड से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप सबको बता दूं मैं कि जो हमारा ट्रेन था सोनपुर वाला वो हम लोग गलती से छोड़ दिए और छूट गया कह सकते हैं, इसीलिए हमें ऑटो से आना पड़ा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सोनपुर जंक्शन पे पहुँच गए। मैं फ़र्स्ट टाइम सोनपुर आया था तो सोनपुर जंक्शन भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, और यही है वो सोनपुर जंक्शन, उसका ऑटो यही सब यहीं पे मिलता है, ऑटो स्टैंड ये सब। और जो हमारा मंदिर है सोनपुर जंक्शन होके ही गुजरता है और ये सोनपुर जंक्शन से हो सकता है 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। और आप ये देख सकते हैं पूरा जंक्शन का सीन है, और यहीं पे जंक्शन पे हमारे फ्रेंड्स भी यहाँ पे मिल गए। आप ये देख सकते हैं राज और यहाँ पे एक और है अमृत, दोनों के दोनों यहाँ पे उतरे थे, और यहीं से फिर हम तीनों आगे की ओर मंदिर की ओर बढ़े। अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि ऑटो से जाए तो आपको इजीली यहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो कि आपसे 10-10 रुपया लेगा और आपको मंदिर उतार देगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग पैदल आए तो पैदल भी आ सकते हैं। तो ये कुछ मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ का सीन था, लोग अपने अपने काम में लगे थे, सारे के सारे लोग यहाँ पे मतलब जस्ट पूजा करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे ऑलवेज़ इतना भीड़ रहता ही है, कोई नया नहीं था हमारे लिए और शायद उनके लिए भी कुछ नया नहीं था कि भीड़ है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट जा रहे थे और अभी वहाँ मंदिर पहुँचे थे तो अपोजिट के ओर जा रहे थे जो कि उधर गंगा नदी था, गंगा में जाएंगे पहले स्नान उधर करेंगे उसके बाद फिर मंदिर जाने का सोचे थे। तो ये वहाँ पे गंगा के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा उधर एक मंदिर का मार्केट लगता है जो कि पूरा क्राउडेड एरिया, आप यहाँ देख सकते हैं कितना भीड़ है, सभी जगह कुछ ना कुछ बिक्री हो रहा है। और जो बच्चे हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग हैं, सारे के सारे लोग महिलाएं हैं, सारे के सारे लोग एक ही जगह हैं। वैसे मैं बता दूँ सारे के सारे लोग जो भी यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे नहाने के बाद ही मंदिर के अंदर जाते हैं पूजा करने के लिए।
यहाँ पर आपको बैठे हुए आप लोग को बहुत से बाबा मिल जाएंगे जो कि छोटे मोटे पूजा पाठ कराते हुए आपको दिख जाएंगे। और ऐसे भी आप लोग वहाँ पे जाके पूजा पाठ करा सकते हैं छोटा मोटा, जो कि नॉर्मल पूजा पाठ जो होता है वहाँ पे। अगर मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग इधर ही सोचते हैं कि बगल में ही, गंगा के बगल में ही पूजा पाठ करा लें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि मैंने सिनेमेटिक रिकॉर्ड किया था आप लोग को दिखाने के लिए, कि यहाँ पे जो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सारे के सारे जो भी लोग आते हैं, शिव जी का यहाँ पे जो लोगो होता है आप लोग को पता होगा, उसे क्या कहते हैं नहीं कहते आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता। वो लोग सारे के सारे लोग जो भी आते हैं यहाँ पे अपने सिर पे ऐसा बनवाते हैं। मैंने भी बनवाया था, जो कि जिसका वीडियो मैंने अभी मतलब रिकॉर्ड किया है और वहाँ मैं आप लोग को दिखाऊँगा। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के ये सब चीज़ की, यहाँ पे छोटे बच्चों में भी इतनी श्रद्धा है भगवान को लेकर, हमारे शिव जी को लेकर। और ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी लेप को यहाँ पे लगाया जाता है सिर पर। कुछ बाज़ार में सामान भी बिक रहे थे काफ़ी तरह के, पानी उनी इसमें जो जल, गंगा जल होता है वो सब, जो भी हो। लेकिन यहाँ आने के बाद जो अंदर से जो फील आ रहा था, लग रहा था कि भगवान की नगरी में आ गए हैं। आप लोग यहाँ पे आकर देखिएगा तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील लगेगा, सारा का सारा टेंशन लगेगा दूर हो गया है और कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट यहीं के यहीं रह जाएं कुछ समय के लिए, ऐसा फील होगा। और रही बात यहाँ चीज़ों के दाम के, तो चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने कुछ चीज़ों के दाम पूछे थे क्योंकि आपको मंदिर के बाहर प्रोवाइड कर रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें, तो आपको कुछ महंगे मिलेंगे। लोग यहाँ पे ज़्यादातर से लोग जो थे उनको मजबूरी में लेना पड़ रहा था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो बाहर से भी आप लोग चीज़ों को ख़रीद के ला सकते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, कुछ जस्ट उस साइड भी जा रहे हैं। उस साइड जाने का पहले जो चार्ज लेते थे कम लेते थे, लेकिन अगर आप लोग कुछ त्यौहार पर्व के दिन पे जाइएगा तो आप लोग जो बोट पे उस साइड लेके जाने का जो चार्ज होगा बढ़ जाएगा। यहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएं सारे के सारे लोग जस्ट यहीं पे सब मतलब देखा है, जैसे सब एक साथ यहाँ पे नहा रहे हैं। और फिर ऐसा सीन यहाँ पे था, लगा ही नहीं जैसे कि कुछ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, सब सब सही चल रहा था देखने में। लोग यहाँ पे अपने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, बिजी थे, अच्छा लग रहा था देख के। मुझे भी मन किया नहाने का, लेकिन मैं सही बोलूँ तो मैं नहा के घर से निकला था क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करना था और मैं सारा का सारा इक्विपमेंट अपना रख नहीं सकता था। ऐसी कुछ सीन्स यहाँ पे काफ़ी बेटर लगा मुझे देखने में, बच्चे भी और बड़े भी सब लोग, मतलब ऐसा सिनेमेटिक कुछ कुछ शॉर्ट्स मैंने निकाला था इससे, जो कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ दिखा दूंगा। मेरे इंस्टा पे आप जाके देख सकते हैं, जो कि ऊपर यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा। और ये कुछ यहाँ पे लोग भी मुझे मिल गए थे मेरे जान पहचान के, जो मुझे जानते थे, मैंने उनसे भी बातचीत की, कुछ ये रहे वो लोग। और ये मेरा दोस्त आप देख सकते हैं, हम लोग भी बोले, मैंने कहा था कि हम लोग भी अपने सिर पे ऐसा बनवाए थे, तो उसमें से एक ये रहा मेरा दोस्त अमृत नाना। और मैं भी सोचा था करवाने का, तो फिर मैंने भी करवा लिया, मुझे भी अच्छा लगा था काफ़ी। और आप देख सकते कि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, ये सब चीज़ मैंने पहले कभी भी नहीं कराया था किसी भी मंदिर में, और ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा। और ये लगाने के आप लोग से कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, और जस्ट 10-20 रुपीज़ लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो लगाने के बाद आप हम लोग निकल पड़े अपने मंदिर की ओर। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो जो नहा लेते हैं वो मंदिर की ओर निकलते हैं, तो हम लोग भी मंदिर की ओर निकल पड़े। जस्ट बगल में ही मंदिर था, ज़्यादा दूर नहीं था, 200 आसपास स्टेप्स होंगे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ ऐसा सीन दिखा मुझे जिसको देख के मैं हैरान रह गया। वहाँ पे 300 से 400 आदमी ऐसे होंगे जो कि लाइन में लगे होंगे सिर्फ मंदिर के अंदर जाने के लिए। उसी लाइन में सबसे पीछे मैं भी लगा था, और उससे पहले मैं आप लोग ये दिखा दे रहा हूँ कितना लंबा लाइन है। लाइन देखना मैं स्टार्ट किया तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि आज मैं अंदर जा भी पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। और मैं पहले तो मैं साइड से सोचा कि वीडियो बनाते हुए निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उतने सारे लोग लाइन में पहले से लगे हैं, और मैं उन लोग को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का सोचूं ऐसा मैं गलत सोच नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर वेट किया जाए जो भी वो लाइन में लगते हैं पीछे, और पहले एक बार मैं सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ आगे तक जाके, उसके बाद फिर वापस पीछे आके लाइन में लग जाएंगे, और फिर मंदिर के अंदर का अगर कुछ सीन मिल पाता है तो भी रिकॉर्ड कर लेंगे अंदर जाके। तो मैं पहले आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, सारे के सारे लोग हाथ में अपना अपना जल लेकर, फूल लेकर मंदिर के अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन औरतों के लिए यहाँ पे अलग सा लाइन था, ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। महादेव जी को पुकार यहाँ पे सुनिए आप।
सारे के सारे लोग जितने भी थे यहाँ पे काफ़ी टाइम से लाइन में लगे हुए थे और सबको जल्दी थी जल चढ़ाने की, और बहुत देर से ये लोग परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे थे। तो इनके अंदर एक उत्साह भरा पड़ा था कि जल्द से जल्द कैसे भी जल चढ़ाएं और जल चढ़ा के निकले मंदिर से। तो कुछ मुझे ऐसे सीन्स दिखे कि सारे के सारे लोग तो लगे ही थे, प्लस बूढ़े बच्चे, उसमें छोटे छोटे बच्चे को भी मैंने देखा, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी उसमें लगे हुए थे, उनकी भी यहाँ पे थी इच्छा अंदर जाने की। तो पहले तो मैं राइट साइड से जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लेफ़्ट साइड से बढ़ा जाए। तो लेफ़्ट साइड से बढ़ते वक्त मुझे रास्ते में एक और मंदिर दिखा, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा और मुझे यहाँ पे रास्ते में और भी लोग आते हुए आगे से दिखे। ये सारे के सारे वो लोग थे जो जल चढ़ा के मंदिर से निकल रहे थे। तो मैं भी उसी के तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे आगे फ्रंट में जस्ट वो जो है वो मंदिर है। वही मंदिर में ये मंदिर के लिए जो लाइन लगा था वो पीछे साइड से लगा था, जो कि आप यहाँ देखें। और रास्ते में मुझे यही एक मंदिर का जो गेट था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा था, और इस साइड अपोजिट में ये वाला मंदिर था जिसके लिए लोग इतना लाइन लगाए थे। और वो लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लड्डू बिक रहा है, और लड्डू जहाँ बेच रहा है उसके जस्ट पीछे साइड से आप देख रहे हैं लोग वहाँ पर लाइन में जा रहे हैं। मैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा था तो लोग मुझे जाने तो नहीं दिए अंदर, सिंपल सी बात है, नहीं जाने देंगे यार, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से थे। और आप ये देख सकते हैं मंदिर का बाहर का जो सीन है कुछ ऐसा दिखा मुझे, लोग यहाँ पे आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, काफ़ी टाइम से जो लाइन में लगे हुए हैं वो सारे लोग गुस्से में भी होंगे कि भाई हम पहले जाएंगे, तो जाने तो मुझे नहीं दे रहे थे, सिंपल सी बात थी। हाँ, मुझसे जो मैं टाइम निकाला मैं गया वापस, थोड़ा बहुत मुझे जो शॉर्ट्स अंदर का मिला मैं आप लोग को वो दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो शॉर्ट्स मैं अंदर निकाल पाया, जितना मुझे मेहनत लगा अंदर जाने में मैं ही जान रहा हूँ। तो अंदर का कुछ मुझे सीन ऐसा दिखा, आप देख सकते हैं ये अंदर का सीन है, और ये किसी और दिन का सीन है क्योंकि मुझे उस दिन तो अंदर जाने को नहीं मिला तो मुझे वापस जाना पड़ा। और ये हमारे महादेव जी की मूर्ति जिसके लिए लोग इतना लाइन लगाते हैं, और लगाएंगे भी क्यों नहीं यार, इनकी श्रद्धा अलग लेवल की है, आप सबको तो पता ही है, वरना आप लोग इस वीडियो में नहीं आते देखने के लिए। और ये रही मूर्ति अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए हम वापस बाहर आए। और बाहर आने के बाद कुछ लोग जो लगे हुए थे वो सारे लोग तो लगे ही थे, और हमने भी कोशिश की लगने की, लेकिन बट उस दिन नहीं जा पाए तो हम लोग वापस घर के दूर निकल पड़े। बस लास्ट ये कुछ क्लिप्स है जो कि आप सबको दिखाना था कि देखिए कितना भीड़ है। मैं ऊपर से कुछ क्लिप बनाया था जो कि आप देख सकते हैं अंदर का कितना ये ज़्यादा भीड़ वाला लोकेशन है। पर डे यहाँ पे सुनने में आता लाखों लोग आते हैं, आप देख सकते हैं लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और ऐसे में कैमरा से वीडियो बनाना भी अलाउ वहाँ पे नहीं होती है। बस हम लोग कुछ कुछ क्लिप्स ले पाए तो आप सबको वो दिखा रहे हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।